अडानी और अंबानी के हजारों करोड़ का जो कर्ज है उसे माफ कर दिया जाता है। लेकिन आपने देश की सेवा की है, पेंशन पर आपका हक है और मोदी सरकार आपको आपका हक नहीं दे रही है। पेंशन आपको मिलनी चाहिए। जब आप पेंशन की बात उठाते हैं तो मोदी सरकार कहती है कि पैसा नहीं है, तो फिर अडानी और अंबानी के हजारों करोड़ माफ कर देने के लिए पैसा कहां से है? ये बातें कही है प्रियंका गांधी ने, और वो भी मध्य प्रदेश में। आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में जो है वो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और तमाम मुफ्त की रेवड़ी जो है वो राज्य सरकारों ने बांटना शुरू कर दिया है। जहां पर कांग्रेस नहीं है वहां पर रेवड़ी का सगुफा छोड़ रही है। राजस्थान में 500 रुपये में सिलेंडर, 10,000 रुपया महिलाओं को हर साल अलग से देने की घोषणा के साथ ही अब जो है मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन नीति लाने की बात जो है कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जो है मध्य प्रदेश के एक सभा में उन्होंने क्या कुछ कहा है पेंशन के बारे में, आपको सुनवाते हैं। सरकारी जितने भी अधिकारी हैं, जिसकी भी सरकारी नौकरी है, एक ही मांग है आपकी, आज एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन दे दो, है कि नहीं? और क्यों है ये मांग? क्योंकि जो नौकरी आपने वफादारी से 20 सालों के लिए की, एक तरह से वो भी तो देश सेवा है। आपने देश के लिए सेवा की, आपने नौकरी की, तो क्या ये आपका हक नहीं बनता कि आप बाद में सुरक्षित रहे? तो यही आपकी मांग है कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम दिलवा दीजिए। और जवाब क्या मिलता है? ऐसे नेता हैं, ऐसी सरकार है जिससे आपको जवाब मिलता है कि इसके लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं अडानी जी जैसे, उनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे कहां से आते हैं? हजारों करोड़ रुपए आपने उनके माफ किए, देश की संपत्ति आपने उनको सौंप दी। आप खुद 8,000 करोड़ के एक हवाई जहाज में घूम रहे हैं। एक बड़ा हॉल बनाया आपने दिल्ली में, 27,000 करोड़ उसमें आप खर्च रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि आपको, आपके पास पेंशन के लिए पैसे नहीं है। आप कहते हैं कि किसानों के पास उनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, तो जनता का विश्वास कैसे होगा आप में? आपने सुन लिया प्रियंका गांधी को, उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं कि पैसा नहीं है, फिर अंबानी और अडानी के कर्जों को कैसे माफ कर देती है? पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, आपका हक है, उस पर आपने देश को सेवा दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जनता जो है इन नारों से प्रभावित होकर फिर से कोई ऐसा रास्ता चुनेगी जिससे कि देश में अस्थिरता आए? ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।